हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी वार्षिक परीक्षा 2023 का क्लास 8 का विज्ञान का पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका यूपी एनुअल एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षा 2023 का क्लास 8 का विज्ञान साइंस का पेपर है और इसका टाइम है 2 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक है इसका 100 नंबर। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न खंडों के सभी विकल्प छांट कर लिखिए। क्या है आपका, पौधों में मुख्य पोषक तत्व है। चार ऑप्शन हैं आपके, एक आपको बताना है कौन सा सही है। पौधों का मुख्य पोषक तत्व है गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो पौधों का मुख्य पोषक तत्व होता है नाइट्रोजन, N2। ठीक है, नाइट्रोजन पौधों का मुख्य पोषक तत्व होता है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका खे, दाब का मात्रक है न्यूटन अपॉन मीटर, किलोग्राम, जूल, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन फोर्थ में है आपका। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। उसके बाद है आपका गै, पेचिस रोग होता है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा। तो पेचिस रोग होता है एंट अमीबा द्वारा, ऑप्शन थर्ड में है। ऑप्शन थर्ड आपका आंसर। जय है आपका, सॉरी घे, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा, तांबे का बुरादा। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, तो चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा आकर्षित होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। उसके बाद है, कार्यालय में सामान्यतः प्रयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इनमें से सभी। कार्यालय में सामान्यतः प्रयोग होता है तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। उसके बाद दूसरा है, निम्न खंडों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जंग लगने के लिए तथा आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन, O2 और नमी, ठीक है, दोनों आवश्यक हैं। उसके बाद है आपका खे, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। गै है आपका, 3G और 4G के साधन हैं। 3G और 4G जो हैं वो मोबाइल इंटरनेट के साधन हैं। हैजा रोग दूषित से फैलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जल। हैजा रोग दूषित जल से फैलता है। पेट्रोल ईंधन है, पेट्रोल जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म लिख देना यहाँ पे। तीसरे क्वेश्चन में आपके सही गलत हैं, निम्न कथनों में सत्य असत्य छांट कर लिखिए। और ये है आपका क्या, हीरा कार्बन का रूप है। ठीक है, हीरा कार्बन का रूप है, ये बताना है आपको सही है गलत है। तो ये सही है, एंटीबायोटिक दबाव का यूज कीटनाशक, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो आई थिंक ये भी सही है। ठीक है, इसमें कंफर्म नहीं है, आप ऑप्शन में बता, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सही है या नहीं है। गै है आपका, विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर से। ठीक है, एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। उसके बाद है आपका घे, मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती हैं। ये बताना है आपको सही है गलत है। ठीक है, मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती हैं, तो ये सही है आपका। चेचक एक संक्रामक रोग है, तो ये भी सही है। उसके बाद है आपका चौथा, पॉलीथीन, टेफ्लोन, एक्रेलिक, बेकलाइट के एक एक प्रयोग लिखिए। तो पॉलीथीन का प्रयोग हो जाएगा थैली बनाने में, टेफ्लोन का नन स्टिक बर्तन बनाने में, नन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में टेफ्लोन का प्रयोग होता है। ठीक है, पॉलीथीन का प्रयोग थैली बनाने में, टेफ्लोन का प्रयोग यूज नन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। ठीक है, धातु कर्म के बारे में है आपका, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं, इसे देखिएगा। वर्तमान युग में पेट्रोल किसी भी राष्ट्र के लिए सोने से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति इसके बिना संभव नहीं है। कृषि, उद्योग, यातायात में इसका यूज होता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका क्या उपयोग है। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। इसका प्रयोग
परमाणु भट्टी द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। उसके बाद आपका हरित क्रांति है। अत्याधुनिक यंत्रों कोमा उन्नतशील बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि में अत्यधिक वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। उसके बाद में नीचे कुछ और हैं आपके, ठीक है, नीचे है आपका 15वां क्वेश्चन, मलेरिया। तो मलेरिया का हो जाएगा प्रोटोजोआ से, एड्स का हो जाएगा विषाणु वायरस, टाइफाइड का हो जाएगा जीवाणु से, ठीक है। दाद तो होता ही है सिंपली कवक से, ठीक है। तो गाइज बस इतना ही था पेपर में आपके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और आगे आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वीडियो में जो कमी है वो भी बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।